राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे फ्रेंड्स। और नाम जप आप जरूर से कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके जो आप विश फुलफिल करना चाहते हैं तो नाम जप करना शुरू कीजिए अपने ईष्ट का। आज हम देखेंगे आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, मानस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे। ओके, आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं ईश्वर से। देखते हैं ईश्वर आपके लिए उसका क्या जवाब देते हैं। ओके, तो एक स्लिप आई है, देखते हैं। वाओ, देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारी स्लिप आई है फ्रेंड्स। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। तो यहाँ पे देखिए पार्वती माँ जब शिव जी को प्राप्त कर तपस्या करती है, ठीक है, हजारों तपस्या कर रही होती है, नारद मुनि जी आते हैं उनके पास और उनकी से बहुत दिखे और उन्हें और वो बहुत प्रशंसनीय ना तप शिव को पाने की, वही एनर्जी आपकी भी यहाँ पे सराहना हो रही है। ईश्वर आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि आप यहाँ पे अगर शिव शक्ति की जर्नी में हैं, जो भी व्यूअर्स यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी में हैं, आपने बहुत तपस्या की है, अपने ऊपर बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत मेहनत की है, ठीक है, उसकी यहाँ पे ईश्वर प्रशंसा कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। यहाँ पे साथ में आप जगदम्बिके भवानी यानी कि काली माँ जगदम्बे माँ उनकी भी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको मिल रही हैं। काली माँ की ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको मिल रही हैं, ठीक है। जो भी व्यूअर यहाँ पे माँ के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल रही है। और साथ में देखिए ये स्लिप का नंबर भी 8 है और इस स्लिप के अंदर ही 8 ये जो 8 नंबर का स्लिप है वो भी इसके अंदर ही थी, ठीक है। दोनों 8-8 हैं। 8-8 मीन्स इनफाइनाइट, यहाँ पे आपकी लाइफ में यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन की इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स है। और साथ में यहाँ पे आपका यूनियन भी, यूनियन की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, और उसके बाद इस 11 का आना, वाओ, देखिए यूनियन का नाम लिया है और 11 नंबर यहाँ पे हमारे सामने आया है। 11 भी आप जानते हैं ये तो मास्टर नंबर है और मैंने 222 देखा है, 11 11 222 और 8-8 यूनियन की एनर्जी, बहुत ही स्ट्रांग यूनियन की एनर्जी है अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो। ओके, यूनियन ये आपकी पर्सन के साथ भी हो सकता है, लव, या फिर आप जिनके साथ भी इस वक्त सेपरेट हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है, मदर फादर, जिनके साथ आपके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनसे भी आप यूनाइट हो सकते हैं, ठीक है, एक बहुत ही, या फिर आपकी फैमिली में एक गेट टुगेदर हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो सकता है, इस तरीके की भी मुझे फीलिंग आ रही है। और उसके बाद यहाँ पे सो सुधारी हरि जन जी मिले ही, दली दुख दोष विमल जसु देही, खलहु करहि भल पाई सुसंगो, मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु। तो देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भगवान के भक्त होते हैं वो अपनी जो भूल होते हैं वो उन्हें इंट्यूशन गाइड करती रहती है, ठीक है। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर होते हैं, भक्ति के मार्ग पर होते हैं, उन्हें ईश्वर किसी न किसी थ्रू गाइड करते हैं, ठीक है। अगर वो किसी गलत मार्ग पर जा रहे होते हैं तो उन्हें गाइड कर देते हैं। और जो ऐसे लोग जो बहुत ही कुसंगी होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही गलत काम में उलझे हुए होते हैं, वो भी अगर नाम जप करें, ईश्वर को याद करें, तो वो भी अपने आप को सुधार सकते हैं, उन्हें भी यहाँ पे वो भी यहाँ पे अपना भला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ईश्वर ही कहना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव जो होता है ना वो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। वो कैसे भी उनको कितना भी उनके साथ कितना भी अच्छा कर लो, कैसा भी उनके साथ ये वो वाली एनर्जी है जब यहाँ पे पार्वती माँ हजारों साल तपस्या करने के बाद यहाँ पे शिव जी अपनी समाधि तोड़ते हैं और माँ पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी यही है कि आपके पर्सन की यहाँ पे जो समाधि है, मीन्स यहाँ पे जो उनकी एक जो बहुत ही ऐसी एनर्जी में थे ना कि कोई चीज कोई एक्शन लेने की एनर्जी में नहीं थे, बहुत ही इनएक्टिव एनर्जी में थे। इस इनएक्टिव एनर्जी से अब वो एक्शन लेने की एनर्जी में आ रहे हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट को अपने पर्सन को एक्सेप्ट करने की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे उनकी भी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है या होने वाली है, ठीक है। आपकी अवेकनिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, आपके पर्सन की भी अवेकनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। और जब अवेकनिंग कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पे आपके पर्सन भी आपकी तरफ ही आने वाले हैं और बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज में आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे तजी समाधि शंभु अविनाशी, मतलब जब शिव जी ने अपनी
समाधि अपनी समाधि तोड़ी थी माँ पार्वती को अपनाने के लिए उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के, तो वही एनर्जी यहाँ पर है, आपकी तपस्या भी सफल हो रही है। और उसके बाद पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकम पुल कावलि गाता, निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पे तो लाइन से कंटिन्यूशन में ऐसी स्लिप्स आ रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी तारीफ की डिवाइन फेमिनाइन, अगर आप यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में, उसके बाद आपकी पर्सन की अवेकनिंग कंप्लीट हो रही है, समाधि टूट रही है, और उसके बाद यहाँ पे जब समाधि टूटने के बाद यहाँ पे जब शिव जी जो हैं बारात लेकर आते हैं, वो वाली एनर्जी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पुरजन आवत अकनी बराता, यहाँ पे ठीक है, बारात को आते हुए देखकर नगरवासी प्रसन्न हो रहे हैं, तो वही एनर्जी है यहाँ पे आपकी भी, आपकी यूनियन की एनर्जी है। अगर आपके यहाँ पे यूँ कह सकते हैं री यूनियन की एनर्जी है, पुनर्मिलन की एनर्जी है आपका, और साथ में ये 3D में यूनियन की एनर्जी है, ठीक है, 3D में यूनियन आपका बहुत ही नज़दीक है, और आपके पर्सन आपको यहाँ पे कमिटमेंट, एक स्टेबल कमिटमेंट यहाँ पे ज़रूर देंगे, एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पे उनकी एनर्जीज में आ रहा है। क्योंकि और किसी किसी के लिए अगर आपने मैरिज मैनिफेस्ट की है, तो मैरिज का भी प्रपोजल यहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद देवन दीनि दुदुम्बि प्रभु बर बरषे ही फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटि मोमय मूल। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको आपके जीवन में सेलिब्रेशन आने वाला है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में यहाँ पे सेलिब्रेशन आने वाला है, कोई मंगल काम यहाँ पे, मंगल काम यहाँ पे आपकी लाइफ में होने वाला है, आपकी फैमिली में होने वाला है, एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर यहाँ पे आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है, क्योंकि प्रभु की अपार कृपा यहाँ पे आप पर, आपके आपके फैमिली पर, आपके परिवार पर होने वाली है, आपके भक्ति यहाँ पे सफल हो रही है। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और उसके बाद यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही पैर जने भोरे, नाथ जीव माया मोहा, सो निस्तर ही तुम रही छोहा। तो यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हे नाथ, हे ईश्वर, मुझ में बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके चरणों में, आप अपने स्थान दे दीजिए, मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए, और आप हमें कभी ना भूलें, इस तरीके की से आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना आपकी सुनी गई है, ठीक है यहाँ पे। और अगर आपने नहीं की है तो आपको करने की गाइडेंस है कि आप ऐसी प्रार्थनाएं कीजिए, क्योंकि दिल से जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर तक वो ज़रूर पहुँचती है, ठीक है यहाँ पे। जब भी आपको लो लगे ना, तो ईश्वर से ये ज़रूर कहिए कि आपकी चाहे जो भी हो जाए, अपने आप से दूर मत करना, ठीक है, चाहे मैं भूल जाऊँ, लेकिन आप कभी मेरा साथ मत छोड़ना, आप मुझे अपनी शरण में रखना, ठीक है, ये बात आप ज़रूर कहिए, हर दिन कहिए इस तरीके से, जब भी आपको याद आ जाए, ठीक है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना, जितना ज़्यादा हो सके अपने ईश्वर की, अपने ईष्ट की, अपने गुरुदेव की धन्यवाद ज़रूर कीजिए, उनको जितना धन्यवाद आप करेंगे, आप उतनी ही ब्लेसिंग्स आप